अपना मजा है, लफ्ज कोई बहरा नहीं देखा जा। हेलो गाइस, नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आप जब देख रहे हैं इस तरह के वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं प्रोफेशनल कैसे वीडियो का स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए, थोड़ा सा वीडियो को स्किप नहीं करेगा, स्किप करेगा अगर कोई भी पॉइंट अगर मिस हो जाएगा तो वीडियो आपको ही बनाने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए। आप लोग भाई लोग बोलते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर मिस हो जाता है वीडियो नहीं बन पाता है, तो वीडियो अच्छी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल दबाइए ताकि इस तरह की वीडियो हम डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चले बिना बकवास करते हैं इंट्रो को वीडियो को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सिंपली कैनमास्टर ओपन करना, ओपन करने प्लस करने पर क्लिक करिए, क्लिक करने 60.9 रेशियो को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, उसका क्या करना आपको, अगर मेरे वाला कैनमास्टर अगर पास नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए किस तरह से कैनमास्टर डाउनलोड करना है, तो स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया हुआ है, जाकर उस वीडियो को देख के कैनमास्टर को डाउनलोड कर लेना और ओपन कर लेना, ठीक है। ओपन करने क्या करना आपको, इस जगह देख लीजिएगा सारा जितना सारा इसमें प्रोजेक्ट दिख रहा है, सारा चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए 2-4 यानी कि 9 प्रोजेक्ट, ठीक है, तो 9 प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके इसमें यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड इमेज को सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए मेरे पास बैकग्राउंड इमेज है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बैकग्राउंड इमेज को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ से लेयर को बढ़ा देंगे, ठीक है, जितना के वीडियो आप बनाना चाहते हैं लेयर को बढ़ा देना। तो चलिए यहाँ से हम 20 सेकंड तक इसको लेयर को बढ़ा देते हैं, 20 सेकंड तक बढ़ाने में क्या करना है, वीडियो के फर्स्ट में जाइए और फर्स्ट में आइए उसका क्या करना है, फिर से यहाँ पर देखिए लेयर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो हम पहला बार बता दें यहाँ लेयर का ऑप्शन हो गया, इस पर लेयर पर क्लिक करिएगा और सबसे ऊपर देखिए मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है, तो मीडिया ऑप्शन पर क्लिक करना, ठीक है, तो मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करिए। क्लिक करने क्या करना आपको, यहाँ से जो भी डाउनलोड किए होंगे तो उस इमेज सारा इमेज इसका आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से लड़की का जो इमेज है दिख रहा है, जो गर्ल वाला जो इमेज है इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन लाने वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो गर्ल वाला जितना भी इमेज है सारा चीज़ का कैटेगरी का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लिए, ठीक है। डाउनलोड करने में क्या करना आपको, जो लड़के लाइन में इसको सेलेक्ट करिए, जो कि आपका जो लड़के का जो इमेज है वो पीएनजी में होना चाहिए, और आपके पास पीएनजी वाला इमेज नहीं तो आप अपना इमेज भी लगा सकते हैं, तो आपका जो इमेज वो भी पीएनजी में होना चाहिए, पीएनजी में अपना इमेज कन्वर्ट कर लीजिए। और कन्वर्ट कैसे किया आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाए हुए हैं, तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, सर्च करके आप उसको पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या आप यहाँ से क्रॉपिंग का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करिए, स्विच को ऑन कर देना है, फिल्टर को आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है, तो आपको 40% फिल्टर को अप्लाई करके यहाँ से ओके कर देना है, और ओके करके क्या करना आपको इस वाला लड़के वाला इमेज को इस जगह पर लगा देना है, ठीक है। तो हम इसको इस जगह पर लगाते हैं, लगाने बाद क्या करना, इसमें एक एनिमेशन डाल देना होगा, जो कि एनिमेशन जाना है, आप यहाँ से कुछ भी कोई भी एनिमेशन आप यहाँ से डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो एनिमेशन यहाँ से डाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे तो इसको भी एनिमेशन में डाल सकते हैं, आप जो मर्जी हो आप एनिमेशन डाल सकते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से टॉप वाला ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से गर्ल वाला इमेज इसको सेलेक्ट करेंगे, 3 डॉट पर यहाँ देखिए 3 डॉट दिख रहा है ऊपर पर, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। तो डुप्लीकेट करके सबसे पहले इसको रोटेट करना है, रोटेट करने के लिए यहाँ देखिए मोबाइल का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करिए, और क्लिक करके जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, तो आपका जो इमेज है वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए रोटेट हो गया है, जो रोटेट इमेज को क्या करना है उसको सेलेक्ट करना है, इस तरफ खींच कर लिया ना, ठीक है, और उसको इस जगह पर लगा देना, ठीक है, इस तरह से लगा दीजिएगा। इस तरह से लगाने बाद अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, एडजस्ट करके यहाँ से ओके कर देना, ठीक है, ओके कर दीजिए, कितना बेहतरीन तरीके से बन चुका है। अब क्या करना आपको, इस जगह पे आपको एक सेकंड चला, ठीक है, 1 सेकंड स्क्रॉप कर लीजिए, उसका लेयर क्लिक करिए, यहाँ से मीडिया आप क्लिक करिए, और यहाँ से आपको देखिए गाड़ी वाला जो पीएनजी इमेज है, कार का जो पीएनजी इमेज है इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दें, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके उसको इस जगह पर लगा देना, ठीक है। तो इस जगह पर कैसे लगाएं आपको बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लगा दीजिएगा। सबसे पहले इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए, लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना, इसे लास्ट तक कर दीजिए, लास्ट तक करने के बाद क्या करना आपको, देखिए पूरा लास्ट तक हो जाएगा, उसका क्या करना आपको सबसे पहले इसको डुप्लीकेट कर लेना, ठीक है, डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो यहाँ से 3 डॉट क्लिक करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, और डुप्लीकेट करके सबसे पहले इसको हम रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। रोटेट हम बताए हुए हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन में किस तरह से रोटेट किया जाए, आपको सबसे पहले इसको रोटेट कर देना है, रोटेट करके अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है, ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले एडजस्ट कर देते हैं और इस तरह से इसको फिक्स कर देना, ठीक है, फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के बाद क्या करना आपको, यहाँ से चाबी का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करिए और थोड़ा सा स्क्रॉप कर लेना, ठीक है, तो इसको 4 सेकंड या 5 सेकंड तक स्क्रॉप कर सकते हैं, इसको 5 सेकंड तक स्क्रॉप कर लेते हैं, करने तो प्लस करके क्लिक करिए और इस इमेज को फर्स्ट में जाइए और इसको घिंच कर इस तरफ अंदर की ओर ले जाना, ठीक है, अंदर की ओर ले जाए, इस तरह से आपको कर लेना। करने बाद जो बिंदु सेकंड जो बिंदु दिख रहा है, देखिए सेकंड जो बिंदु देखिए इसके सामने आइए और जो फर्स्ट वाला इमेज इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कार का जो फर्स्ट इमेज इसको सेलेक्ट करिए, चाबी का क्लिक करिए, यहाँ से इसका प्लस का दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए और इस इमेज को फर्स्ट में आइए, फर्स्ट में इस इमेज को घींच लेना, ठीक है, जो इस जो इमेज दिख रहा है इसको घींच कर इस तरफ लिए जाना है और इसको अंदर की ओर धकेल देना, ठीक है, इमेज को फर्स्ट में आने के बाद ही ऐसा करना ताकि आपका कार जो है बैक की ओर चलेगा, ठीक है।
जैसे बैक की ओर चलेगा उसका क्या करना आपको, इस जगह पर लेयर क्लिक करिए, मीडिया आप क्लिक करिए और यहाँ से आपको सॉरी मीडिया आप नहीं क्लिक करना था, हम यहाँ से बैक आ जाते हैं ठीक है, बैक आ जाइए, यहाँ से लेयर क्लिक करिए और यहाँ से ओवर एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा ठीक है, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करना यहाँ देखिए आपको एक लाइट का ऑप्शन दिख रहा है ठीक है, आपको इस जगह लाइट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको नीचे आना है और यहाँ देखिए गेट मोड का एक ऑप्शन मिलेगा ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करके आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इससे आपको देखिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना ठीक है, इस पर क्लिक करिए और क्लिक करिए देखिए आपको देखिए इसका देखिए लाइट का जो ऑप्शन दिख रहा है ठीक है, और मेरे वाला कैमरास्टर डाउनलोड करिए तो सारा चीज़ इसमें प्रोजेक्ट फ्री में मिलेगा ठीक है, देखिए इस पर जैसे क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा ठीक है, अच्छे 6 MB का है और प्रीमियम है ठीक है, प्रीमियम है आपको फ्री में मिलेगा मेरे वाला कैमरास्टर अगर यूज करते हैं तो ठीक है, और यहाँ से डाउनलोड बटन पर क्लिक करिए तो आपको डाउनलोड जाएगा, हम पहले से डाउनलोड किए थे मेरे वहाँ पर इंस्टॉलिंग दिखा रहा है ठीक है, तो यहाँ से हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको नीचे आइएगा तो देखिए सबसे लास्ट में जो लाइट का ऑप्शन दिखा ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना ठीक है, इस पर क्लिक करिए, क्लिक करके इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना है, सबसे पहले इसको हम लास्ट तक करते हैं, लास्ट तक करने में क्या करना आपको साइज को थोड़ा छोटा कर देना है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करिएगा, तो इसको हम अपने हिसाब से इसको साइज को थोड़ा छोटा करते हैं, इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना ठीक है, इसको एडजस्ट करके हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं, इस तरह से आपको भी लगा देना है और इसको क्या करना आपको 3 डॉट पर क्लिक करिए ठीक है, 3 डॉट पर हम क्लिक करते हैं, सबसे पहले इसमें एनिमेशन डाल देते ठीक है, एनिमेशन डालने के लिए आपको देखिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, जो कि एन एनिमेशन कहा जाता है, इस पर क्लिक करिए और फ्लड फाउट का ऑप्शन मिलेगा ठीक है, इस पर क्लिक कर देना, क्लिक आप यहाँ से थोड़ा सा इसको डेकोरेशन को आपको बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, आपको जैसा रखा था आप रख सकते हैं ठीक है, इसको हम 2% कर देते हैं, 2% करने के बाद क्या करना आपको 3 डॉट पर क्लिक करिए इस जगह पे और यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना, डुप्लीकेट करके सबसे पहले इसको हम रोटेट करेंगे, रोटेट करने के लिए यहाँ देखिए रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए, फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना ठीक है, क्लिक कर दीजिए, क्लिक करके हम इसको इस तरफ ले जाएंगे और इसको इस जगह पर अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर देंगे ठीक है, आपको जैसे आप एडजस्ट हो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरह उसको लगाना चाहते हैं ठीक है, इस तरह से हम इसको लगा दिए, आपको भी इस तरह से लगा देना है, लगाने बाद यहाँ से ओके डन कर देना ठीक है, डन हो गया इसका इसका सॉरी इसको लेयर को पहले बढ़ाते हैं, इस तरह से आपको लेयर को बढ़ाने बाद इसको ओके कर देना है, इस चीज़ का आपको कुछ नहीं करना ठीक है, अब क्या करना आपको इस चीज़ से देखिए जैसे कार इस जगह पर आ गया तो आपको क्या करना आपको इस यहाँ से लेयर क्लिक करिए और यहाँ से मीडिया आप क्लिक करिए ठीक है, मीडिया आप क्लिक करिए और यहाँ से गर्ल पीएनजी इमेज इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो लव वाला पीएनजी इमेज इसको लगाए हुए तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लव वाला पीएनजी यहाँ से डाउनलोड कर लिया और लव पीएनजी के अंदर इमेज कैसे लगाया जाता है आपको इसके ऊपर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर हम पूरा ट्यूटोरियल एक वीडियो बनाए हुए तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, नहीं तो ऊपर आई बटन में डाल देंगे ठीक है, तो ऊपर देखिए इस जगह पर ऊपर आई बटन यहाँ पर दिखेगा, इस जगह पर आपको यहाँ पर देखिए आपको शो करेगा ठीक है, तो इस पर क्लिक करिएगा और क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट वीडियो चल रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिए और जाकर उसके बाद लास्ट में उस वीडियो को देख लीजिएगा, इस तरह से लव पेज के अंदर इमेज अपना इमेज लगाया जाता है ठीक है, तो उसका क्या करना आपको इसका साइज को पूरा छोटा कर दीजिए, छोटा करके हम इसको इस जगह पर इस तरह से लगा देंगे ठीक है, आपको भी इस तरह से इस जगह पर लगा देना कि साइज जितना ही रखना है ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, तो थोड़ा सा बड़ा करना आप कर सकते हैं, चलिए थोड़ा सा हम बड़ा भी करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करना है, तो चलिए इतना सही है, इसको हम इस जगह पर इस तरह से लगा देंगे ठीक है, आपको भी इस तरह से लगा देना है, लगाने बाद क्या करना आपको यहाँ से इसको हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ से चाबी के आइकन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रोप कर लेंगे 9 सेकंड तक ठीक है, उसका प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्क्रोप कर लेंगे, उसको 12 सेकंड कर सकते हैं तो 11 सेकंड भी रख सकते हैं, तो चलिए इसको हम 11 सेकंड तक करते हैं, करना है यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक करना क्या करना जो सेकंड वाला जो बिंदु इसके सामने आ जाइए और इसको ऊपर ले जाइए ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाए साइज को थोड़ा छोटा कर दीजिए और उसको इस जगह पर हम लगा देंगे, इस तरह से आपको भी लगा देना, लगाने बाद क्या करना आपको इसको क्या करना आपको देखिए सबसे पहले हम यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं ठीक है, इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट करने के क्या चाबी के क्लिक करिए और इसको देखिए फर्स्ट इसको फर्स्ट में जाना ठीक है, फर्स्ट में आके इसको घींच कर इस तरफ ले आना, इसको अंदर की ओर ले जाना ठीक है, इस तरह से आपको अंदर की ओर ले जाइएगा, और उसके क्या करना आपको जो सेकेंड जो फर्स्ट लेक इमेज और था उसको भी सेलेक्ट करेंगे और उसको भी यहाँ से चाबी के क्लिक करेंगे, इसको घींच कर हम इस तरफ ले जाएंगे ठीक है, इस तरफ ला के इसको इस तरफ अंदर की ओर कर देंगे, इस तरह से बाहर की ओर निकलेगा, इस तरह से हम इस तरह एडजस्ट हो जाएगा ठीक है, जैसे ही कितना बेहतरीन तरीके से लग रहा है, अब इसमें क्या करना आपको यहाँ से जैसे ही लड़की लाइज में इस जगह पर लब वाला पीएनजी जैसे ही इस जगह पर एडजस्ट हो जाएगा उसका क्या करना आपको फिर से लेयर क्लिक करिए और यहाँ से मीडिया आप क्लिक करिए, मीडिया आप क्लिक करने में क्या करना आपको देखिए आपको 2 लव पीएनजी में और मिल जाएगा ठीक है, देखिए 2 दोनों मिल जाएगा, तो इस दोनों को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है, तो इस दोनों को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने में क्या करना आपको इसको हम इस जगह पर एडजस्ट कर लेंगे ठीक है, इसको हम इस जगह पर इस तरह से लगा देना है, आपको भी इस तरह से लगा देना है, इस जगह पर लगाने में क्या करना आपको देख लीजिए जैसे ही आपको एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे इसमें एक एनिमेशन डाल देना ठीक है, तो एनिमेशन कौन सा डालना आपको बताते हैं, लेयर को पहले लास्ट तक कर देना है, इसमें ओवर एन एनिमेशन जाना ठीक है, एनिमेशन चाहिए और नीचे आएगा तो यहाँ ड्रॉप का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ड्रॉप पर आपको क्लिक कर देना ठीक है, क्लिक कर दीजिए और क्लिक करना है, फिर से इस इमेज को फर्स्ट में जाइए और यहाँ से फिर से लेयर क्लिक करिए, मीडिया आप क्लिक करिए और मीडिया आप क्लिक करने में क्या करना आपको जो दूसरा का जो लव पेज है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए,
इसको भी अपने साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन जितना फर्स्ट वाला जो इमेज था उसको हिसाब से साइज को इस तरफ हम मिला देते हैं इसको इसके ऊपर, ताकि मतलब बेहतरीन देखने में लगे ये साइज़। चलिए अब सही है। और इसको क्या करेंगे, इस तरफ यहाँ पर लगाएंगे। इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको रोटेट कर देते, ठीक है। रोटेट करने के लिए यहाँ से चाबी के सॉरी यहाँ जो मोबाइल जो आइकन देखिए इस पर क्लिक करिए। इसको सबसे पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम रोटेट करते हैं। रोटेट करके इसको हम इस जगह पर अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एडजस्ट हो जाएगा, देखिए एडजस्ट हो गया। इसको क्या करना, आपको इसमें भी एनिमेशन डाल देना है। जो ड्रॉप का ऑप्शन देखिए आपको ड्रॉप पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक कर दिए, देखिए इसमें भी एनिमेशन लग गया। अब क्या करना, आपको इसको इस वीडियो को फर्स्ट में जाइए, लेयर क्लिक करिए और यहाँ से ओवर लेयर में जाना, ठीक है। ओवर लेयर जाइए और यहाँ देखिए क्या वाटर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। देखिए वाटर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर दिए, जो सबसे जो ऑप्शन दिख रहा है मतलब जो पांचवा नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना है। और लास्ट तक करने का साइज को एडजस्ट करना है। एडजस्ट कहाँ करना आपको बताते हैं, साइज को पहले छोटा कर दीजिए। छोटा करके हम इसको इस जगह पर यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको भी इस जगह पर लगा देना है। और इस तरह से इसको देखिए साइज को देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीका से लग रहा है दिखने में, ठीक है। अब इसमें क्या करना आपको, जो कि आपको सबसे यहाँ पर लास्ट में चलाना है, ज़्यादा बेसी नहीं करना आपको। जैसे लव वाला PNG में नीचे की ओर आएगा तो आपको क्या करना, आपको इस जगह पे लेयर क्लिक करिए, मीडिया आप क्लिक करिए और यहाँ से आपको वीडियो ले लेना, ठीक है। तो वीडियो जो ग्रीन स्क्रीन जो वीडियो उसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करके क्या करना, साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देना है, इस तरह से बड़ा कर दीजिए। और बड़ा करके हम इसको इस तरफ यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो आपको इस कोना में आपको लगा देना है। लगाने के बाद क्या करना, आपको इसमें जो ब्लू स्क्रीन इसको यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए क्या करना, आपको यहाँ क्रोमा की क्या ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ स्विच को ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद देखिए आपको यहाँ की कलर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करके आपको ब्लू कलर जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देना, ठीक है। यहाँ से देखिए अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करिएगा, जो आप जो स्किन का जो कलर रहेगा उस कलर को यहाँ से सेलेक्ट करना, ठीक है। तो हम ब्लू कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेलेक्ट करना यहाँ से अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिए, जो कि जो कलर है वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करिएगा, ताकि मतलब देखने में अच्छा लगे। इस तरह से एडजस्ट कर देना, ठीक है। तो आपका देखिए ब्लू कलर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब क्या करना, आपको इसी वीडियो को सेलेक्ट करिए, थ्री डॉट पर क्लिक करिए, यहाँ से डुप्लीकेट कर लीजिए। और डुप्लीकेट करके सबसे पहले इसको हम रोटेट करेंगे, ठीक है। तो रोटेट करने के लिए यहाँ रोटेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सब फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक कर दीजिए, क्लिक करके हम इसको क्या करना, आपको इस तरफ ले जाना, ठीक है। इस तरफ ले जाकर यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है, इस तरफ मतलब लेफ्ट से राइट में कर देना है। इसको अपने हिसाब से फिक्स कर देना, ठीक है। फिक्स कर दीजिए, यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको इसमें वीडियो लगाना, ठीक है। वीडियो भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, उसमें अति भी क्या कहते हैं, लेयर क्लिक करेंगे, मीडिया क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए आपको क्लाउड वाला जो PNG में जिसके यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्लाउड वाला PNG में यहाँ सेलेक्ट करके हम अपने हिसाब से क्लाउड को लगा देना, ठीक है। तो लगाने के लिए यहाँ से सबसे पहले साइज को बड़ा नहीं करेंगे, इतना ही रख लेंगे। और उसको क्या करेंगे, चाबी के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मतलब साइज को पहले छोटा कर देना, ठीक है। छोटा कर दीजिए, छोटा करके इस इमेज को फर्स्ट लास्ट में जाइए, साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देना, ठीक है। बड़ा करके हम इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे और इसे अंदर की ओर छुपा देंगे, ठीक है। इसे छुपा देना, छुपाने के बाद क्या करना, आप इसमें जो है अल्फाबेट को थोड़ा सा कम कर देना, ठीक है। कम करने के लिए आप क्या करना, आपको यहाँ अल्फा में जाना है और यहाँ से थोड़ा सा पैरासिटी को कम कर देना, ठीक है। यहाँ से कम कर देते हैं, कम करने से क्या करना, आपको देख सकते हैं इस तरह मतलब बादल जो है नीचे की ओर ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। इसको हम इस पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करके इसको खींच कर हम इस तरफ ले जाएंगे और फिर से इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे और डुप्लीकेट करके फिर से हम इसको खींच कर इस तरफ ले जाएंगे, जो कि क्लाउड वाला जो PNG में इसको इस तरह से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। करके आप इसको बना सकते हैं इस तरह से, जितना इसमें टाइम लगाएगा उतना अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, आपको वीडियो को इस वीडियो को फर्स्ट में जाइए, वीडियो को फर्स्ट में आइए और यहाँ से लेयर क्लिक करिए और यहाँ से मीडिया क्लिक करिए। मीडिया क्लिक करने में क्या करना, जो नेचुरल फ्लावर PNG इमेज इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने में क्या करना, आपको इसको हम इस जगह पर यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो आपको भी अपने हिसाब से इसको यहाँ पर लगा देना, इस तरह से देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से लग रहा है। इस तरह से आपको लगा देना है और क्या करेंगे, लेयर को पहले पूरा लास्ट तक कर देना, ठीक है। लास्ट तक कर दीजिए, लास्ट तक करने में क्या करना, आपको थ्री डॉट पर क्लिक करिए, इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, ठीक है। डुप्लीकेट करके इसको सबसे पहले हम रोटेट कर देंगे और रोटेट करके हम इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरफ ले जाएंगे खींच के और इसको इस जगह पर यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। एडजस्ट करके यहाँ से ओके कर देना है और ओके करने क्या करना, आपको यहाँ से ऑडियो लगाना है। ऑडियो लगाने के यहाँ से ऑडियो पर क्लिक करिए। यहाँ पर ऑडियो पर क्लिक करने बाद आपको जो भी ऑडियो होगा आपको इस जगह से ऑडियो को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो हम यहाँ से डाउनलोडिंग में जाएंगे और मेरे पास जो भी ऑडियो होगा यहाँ से ऑडियो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए जो कि ऑडियो आपको चलने लगेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको प्लस का जो आइकन देगा इस पर क्लिक करिएगा तो आपको ऑडियो इस जगह में सेट हो जाएगा, मतलब म्यूजिक आपका वीडियो के साथ सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस का क्लिक करेंगे, देखिए आपको ऑडियो इस जगह पर सेट हो गया है, इस तरह से आपको सेट हो जाएगा। यहाँ से ओके कर देना, ठीक है। ओके करके वीडियो को आपको प्ले करके आप देख सकते हैं किस तरह वीडियो बनाए, तो आप देख सकते हैं बेहतर तरीके से वीडियो बनाया, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा था वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बेल नोटिफिकेशन ऑल दबा दिया। और वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आप एक आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक करिए,
क्लिक करेंगे आपको इस जगह बहुत सारा मतलब ऑप्शन दिख जाएगा किस तरह से आप वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फुल HD में, कोर HD में और सिंपल HD में, SD में, आप 420 पिक्सल में, जो भी जिस तरह का आपको वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को गैलरी में एक्सपोर्ट करने के यहाँ एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करिए, आपका जो इस पर जैसे क्लिक है तो आपका वीडियो जो है एक्सपोर्ट मतलब गैलरी में सेव होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और डिस्प्ले पर आपको दो वीडियो आपको शो करता है, किसी वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो में और ट्यूटोरियल के साथ।